हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तन्नू मेहंदी डिज़ाइन आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम बनाना सीखेंगे पुरानी सीडी से फ़ोटो फ्रेम। तो इसके लिए हम पुरानी सीडी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और दो कार्ड शीट लेंगे। कार्ड शीट को एक को फ़ोटो के हिसाब से काट लेंगे और बीच में से भी अलग कर लेंगे, जैसा कि मैंने काट रखा है। फिर उसको ब्लैक पेपर से कवर करेंगे। दूसरी वाली जो कार्ड शीट है उसको भी ब्लैक पेपर से कवर करेंगे। अब ये देखो ऐसे दिखेगी आपको। अब जो आपने ये वाली कार्ड शीट है इस पे हम तीन साइड छोटी छोटी कार्ड शीट लगाएंगे, क्योंकि जब हम फ़ोटो लगाएं तो वो फ़ोटो आसानी से चला जाए इस तरीके से। अब इसको हम बड़ी वाली कार्ड शीट पर चिपका देंगे। इस वाली कार्ड शीट पर इसको इस तरीके से उल्टा चिपका देंगे, जैसा कि मैंने चिपका दिया है। अब हम फेविकोल की सहायता से इस पे सीडी के टुकड़े चिपकाएंगे। धीरे धीरे आराम से पहले फेविकोल लगा लीजिए, उसके बाद इस पे एक एक करके टुकड़े चिपकाते जाइए, जैसा कि मैंने चिपकाए हैं। ये देखिए, ऐसे आप आराम से धीरे धीरे फेविकोल लगा के और टुकड़े चिपका सकते हैं। ऐसे आप इसकी पूरी बॉर्डर को इन सीडी के टुकड़ों से कवर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसकी बॉर्डर को कवर कर दिया है। अब ये मैं पूरी बॉर्डर इसी तरीके से कवर करूँगी। आप भी ऐसे ही धीरे धीरे चिपकाएं। अभी लॉकडाउन है तो सब फ्री हैं, तो फालतू चीज़ें भी निकाल रहे होंगे आप, सफाई कर रहे हैं तो उनको फेंके नहीं, ऐसे कुछ ना कुछ बनाते रहिए। देखिए, क्योंकि घर पर रहना है तो टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ये देखिए, मैंने आधा फोटो फ्रेम कवर कर दिया है। अब ये पूरा मैंने कवर कर दिया है। अब इसको सुखाएं थोड़ा, क्योंकि इसमें फेविकोल लगा हुआ है, तो इसको सुखाएं। सुखाने के बाद हमने एक साइड से इसको ओपन रखा था, क्योंकि हमने छोटी कार्ड शीट तीन ही साइड लगाई थी, एक साइड नहीं लगाई थी, तो इसे ये एक साइड से ओपन है। इसमें हम आसानी से फ़ोटो लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरे छोटे भाई का लगाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।